दोस्तों बुलंद संदेश न्यूज में आपका इस्तकबाल है, जुड़े रहिए। जी अपना नाम परिचय दीजिए सर। मोहन सिंह बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, दिल्ली प्रदेश जी। पूर्व में विधायक यहाँ से रहा। क्या इस बार भी आपको टिकट मिल सकता है? मिल सकता क्या मतलब होता है, 100% 100% उम्मीद। अच्छा, मैं आपसे ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं कि जो आपके क्षेत्र की जो समस्या है, जैसे पानी साफ नहीं आता, कुछ लोगों का कहना है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए? किसकी कमी होती है पानी साफ ना मिलना, सड़कों का बुरा हाल है, टूटी पड़ी सड़कें, स्कूल में मास्टर नहीं पहुँच पाते समय पर, पढ़ाई नहीं हो पाती, बच्चे खेलते रहते, आप स्कूल के हालात देखते हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते सर? निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार को इन कामों को करना चाहिए। और जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार लोगों को भ्रम की स्थिति में डाल करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, सरकार का काम है, दिल्ली सरकार का। और जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पीने की पानी की है, तो मैं 1993 से लेके 2014-15 तक और 2093 से लेकर 1993 से लेकर 1998 तक हमारी सरकार रही। हमारी सरकार ने यहाँ पर 2 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, जिनमें प्रमुखता है भागीरथी है, भागीरथी ग्रिड, उसको अपग्रेडेशन करने का काम ये हमने किया, और सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाया। उसके साथ साथ यदि द्वारिका वगैरह में जाते तो मुनक नहर वगैरह, ये सारा निर्माण कार्य हमने किया। ये जो आप बता रहे हैं ये तो सर जग जाहिर है, दुनिया जानती है, सब जानते हैं इस बात को कि जो आप लोगों ने काम किया है, लेकिन जो आज की स्थिति ये है कि पानी अब भी साफ नहीं मिल पाता, इसकी किसकी जिम्मेदारी सर? निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार के, दिल्ली की सरकार जानबूझ करके सड़कें बुरी तरह से पीने के पानी के मामले में दिल्ली की सरकार पूरी तरह से फेल है। आज पीने के पानी की हालत इतनी खराब है कि लोगों के घरों के अंदर डायरिया जैसी बीमारियां, पीलिया जैसी बीमारियां, अनेक प्रकार की पेटों की बीमारियां चल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब लोग पैसा भी देना चाहते कम से कम उनको साफ पानी मिले, लेकिन फ्री के चक्कर में उन्होंने पूरी दिल्ली का इस जल बोर्ड का भी बेड़ा गर्क कर दिया, वो आपके सामने है। और वो कहते हैं जी हम 5 वर्ष के अंदर पानी की सप्लाई को पूरी करेंगे, इन 5 सालों के अंदर बताए वो 5 साल में उसने कौन सा ऐसा काम इस जल बोर्ड में किया, एक भी MGD पानी की बढ़ोतरी नहीं हुई। यहाँ तक कि जैसी मेरी विधानसभा करावल नगर है, वहाँ झूठे उद्घाटन किए जा रहे हैं, आए दिन वहाँ शिविर की लाइनों के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है। अरे जब तक टेंडर नहीं हुआ, जब तक कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, आप लोगों को क्यों मूर्ख समझते हैं? आप पिछली बार आपने लोगों को ठगा तो 67 सीटें आप लेके आ गए, इस बार आपकी दाल गलने वाली नहीं है, एक बात। ठीक है सर। दूसरी बात मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक सड़कों की हालत है, आप यहाँ पूरे एरिया के अंदर चले जाए, जो 16-17 साल मैंने काम किया था, सड़कों की इतनी अच्छी स्थिति थी, उनका बहुत बुरा हाल है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, उनमें उनको खुद पता नहीं लगता सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों के अंदर सड़कें हैं, इस प्रकार, और आए दिन कोई ना कोई इस प्रकार का एक्सीडेंट इन्हीं के वजह से होता है जी, टूटी सड़कों के कारण जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, शिकार होते हैं। सर ठीक है, ये तो आपने बताया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज ये है कि ये बिल को लेकर के जो है देश के अंदर एक तरह से बुरी तरह से आग लग रही है, क्या आपको इसे, आप इसको सियासी मामला मानते हैं या क्या है? निश्चित रूप से NRC और CEE जी, ये वो कानून है जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिले, उन पर अधिकार है, तो हिंदुस्तानियों का अधिकार है, उसमें कोई जाति का नहीं है। लोगों को भड़काया जा रहा है, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप छोटी जाति के, आप ऊंची जाति के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। NRC और CEE का ये है कि कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में जहाँ तक उनको नागरिकों को उसका नागरिकता का दर्जा दिलाने का काम किया, यदि पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार का ये चल रहा है तो निश्चित रूप से मेरे को लग रहा है ये बहुत गलत बात है, और देश के अंदर एक इस प्रकार की नीति बनाई जा रही है, संसाधनों का नुकसान किया जा रहा है, कुछ बच्चों को बहकाया जा रहा है, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आपकी यहाँ से नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अरे जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो उसके पूरा हक उसका है,
सर, अधिकार उसका इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी ये रही है कि सही करके जानकारी नहीं दे पाई, जागरूक नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं आप ये कमी मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, सेंटर का नहीं है, स्टेट का नहीं है। सेंटर के अंदर जो नीतियां बनी है, नीतियों को नीचे लाने, और अभी एनआरसी तो अभी लागू ही नहीं, एनआरसी लागू नहीं हुई है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और गलत बोल रहे विपक्ष, एक मिनट सर, विपक्ष जो वो विरोध में उतरा हुआ है, क्या विपक्ष राज्यसभा में इसको कैंसिल करा सकता था अगर चाहता? हाँ, अगर चाहता तो आप क्या मानते हैं कि विपक्ष की बीच में अंदर हिमायत रही है, बाहर उनका जनाधार खत्म हो रहा है, उनकी पार्टियां सिमटती जा रही हैं और उनको अपना वेश बनाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे को उठाया जा रहा है, और जहाँ तक अपने मुस्लिम परिवार के लोगों को बहकाया जा रहा है। आज आप देखेंगे देश के अंदर यदि कोई नुकसान होता है तो वो किसका है? वो हमारा है, क्योंकि हम सबका उस पर पूरा अधिकार है। बसें जलाई जा रही हैं, दूसरे तीसरे काम किए जा रहे हैं, ये गलत है, मैं मानता हूँ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और राजनीति इस हद तक गिरनी नहीं चाहिए जिसके वजह से देश का नुकसान। सर, कहीं ना कहीं पुलिस भी इस तरीके की हरकत कर रही है, वो कहते हैं कि पुलिस के भेष में गुंडे हैं, ये है। नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं इस तरह के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस वालों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, बसों में आग लगाई जा रही है, और यहाँ तक कि बच्चों को भड़का करके इस प्रकार के वो किए जा रहे हैं, जो ये ठीक नहीं है। ये बच्चे भी वो हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन उनको गलत ढंग से इस प्रकार से समझाना बहुत गलत बात है। CAA जो है वो अमेंडमेंट बिल है, जो बाहर से आकर के जो परिवार के लोग शरणार्थी के रूप में यहाँ रह रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात है, और NRC का मतलब है बाहर से आए हुए लोगों को उनको रोकने का है। उन संसाधनों पर यदि किसी का अधिकार है तो वो हिंदुस्तानी का है, भारतवासी का है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर सबका ये अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूँ।